माता दी, मेरे सभी भाइयों बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ खास ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर चाहे कोई कितने भी ग्रहों के बुरे योग क्यों ना हो, वो आपके कट सकते हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर चाहे काल सर्प दोष हो, चाहे आप मूल के अंदर पैदा हुए हैं और आपको परेशानी है, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर विष योग हो, चाहे आपकी कुंडली के अंदर गुरु चांडाल योग हो, चाहे आपकी जन्म कुंडली के अंदर अन्य और कोई भी दोष हो, लेकिन अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर बुरे कर्म के जो फल हैं वो तो घट तो सकते ही हैं। साथ ही साथ अगर आपने पिछले समय के अंदर जाने अनजाने कुछ गलतियां कर दी हैं, उनको भी ये सुधारने के टिप्स हैं, उनको भी ठीक करने के ये टिप्स हैं, और साथ ही साथ आपको उनकी जो भयावह परिस्थिति है उससे भी आपका बचाव हो सकता है। और ध्यान रखिएगा, जो ये मैं टिप्स आपको बता रहा हूँ, इसको आप ऐसा नहीं है फॉलो नहीं कर सकते, 100% फॉलो किए जा सकते हैं। और एक चीज आपको यहां पर बता देता हूं, खास तौर पर ये जो टिप्स है ना, ये आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। अच्छे तौर पर आप अपने जीवन के अंदर ऐसे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे जो आपने शायद कभी की भी ना हो। और जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं पहले से, वो लोग इस बात को जानते हैं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, ध्यान रखिएगा। और जो लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और उनको पॉजिटिविटी मिली है, वो नीचे यहाँ कमेंट जरूर करें, क्योंकि उन लोगों के कमेंट से और वीडियो के लाइक करने से जो और लोग, नए लोग वीडियोस देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि हाँ, इस बात में ऑथेंटिसिटी पूरी है। चलिए फिर सबसे पहले जान लेते हैं पहली टिप्स। आपके घर के आसपास और आपके घर के अंदर जो भी पेड़ पौधे लगे हैं, उनकी आप देखभाल अवश्य करिए, उनको पानी देते रहिए, उनको सींचिए जरूर, और हो सके तो जब भी आपका जन्मदिन आए, या जब भी आपके परिवार में कोई भी खुशी का मौका आए, या जब भी आपको मौका मिले किसी भी प्रकार से, तो आप एक फलदार वृक्ष अवश्य लगाइए, जहाँ भी आपको जगह मिल जाए, जहाँ भी वो पेड़ पौधा पूरी तरह से पनप सके। ध्यान रखिएगा, जब पेड़ पौधे होंगे तभी हमारा जीवन होगा, और वो पेड़ पौधे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती है, आप महसूस करके देखेंगे कि आपको भी अवश्य ग्रोथ महसूस होगी। और आप जैसे पेड़ अपनी जड़ें जमाए हर आंधी तूफान से लड़ लेते हैं और वो अपनी जगह पर टिके रहते हैं, ऐसे आपको जीवन में चाहे कोई भी कठिन परिस्थिति आ जाए, आप भी अपनी जड़, अपनी परिस्थिति, अपने संस्कार, अपनी आदतों पर आप टिके रहेंगे और आप जीत करके निकल जाएंगे। क्योंकि कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं होता जिसे कभी सुखद अनुभव और सुखद मौसम ना मिलता हो, और कोई भी जीवन ऐसा नहीं होता जिसको वो तकलीफें जीवन में ना आई हों। तो अगली टिप हम जान लेते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय से हैं, आप चाहे कोई भी हैं, लेकिन आप जब भी सुबह जागते हैं तो भजन अवश्य सुनिए, मंत्र अवश्य सुनिए, और चाहे आपसे जैसी भी हो सके वैसे छोटी मोटी पूजा आप अवश्य कर लीजिए, आपके अपने हिसाब से। खास तौर पर मैं आपको और चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये मैसेज मिल सके कि वीडियो बहुत काम की है। अब अगली टिप जान लेते हैं। जिस तरह से आप अपने सिर की देखभाल करते हैं, आप अपने सिर की मालिश करते हैं, आप अपना चेहरा चमकाते हैं, इसी तरह से चाहे कोई भी मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, या जो भी मेरे दोस्त भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जैसे आप अपने चेहरे और अपने बालों की देखभाल करते हैं, ऐसे आप अपने पैरों की भी देखभाल करिए। इससे आपका केतु और राहु जन्म कुंडली में अच्छे होने लग जाते हैं। और जो मैंने पेड़ पौधे की बात बताई ना,
उसका भी आपको ग्रहों से संबंध बता देता हूं हाथ के हाथी। वनस्पति चाहे कोई भी हो, सबको बुध गवर्न करता है, और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उनसे जो ऑक्सीजन निकलती है उससे बृहस्पति देव अच्छे होते हैं। तो जब बुध बृहस्पति आप अच्छे कर लेंगे तो सुख समृद्धि और सौभाग्य और आगे जो आपकी 12वीं के बाद यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जब आप हायर सेकेंडरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब आप ग्रेजुएशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो बृहस्पति ग्रह ही आपको सफलता दिलाते हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं उसी की तरफ जो हमारी तीसरी टिप्स थी। पैर आपके केतु होते हैं, राहु आपका सिर होता है, विचार जैसे आएंगे आप वैसे ही चलकर जाएंगे, इसीलिए अपने पैरों की भी देखभाल अवश्य करें। एड़ियां, नाखून, पैर बिल्कुल भी गंदे ना हो, एड़ियां फटी ना हो, पैरों के अंदर किसी भी तरह का भद्दापन ना हो, आपके पैर भी बिल्कुल साफ सुथरे और अच्छे दिखने चाहिए। अगली चीज और जान लेते हैं। आप जहाँ भी बैठते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, आप जहाँ भी जाते हैं, अपना जो आपका कर्म है, या जो भी मेरी घर की माँ बहन बेटी ये वीडियो देख रही हैं, अगर आप अपने बैठने उठने की जगह आप बिल्कुल साफ नहीं रखते, चीज़ों को मेंटेन नहीं रखते, तो इससे आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब होने लग जाता है। और बुध खराब होने का मतलब है एयर एलिमेंट का खराब होना। एयर एलिमेंट का मतलब हो जाता है पेट में और शरीर के अंदर वात प्रवृत्ति का खराब हो जाना, और जब ये हो जाता है तो आपकी बेफिजूल बोलने की आदत हो जाती है, आप यूं ही किसी को अपनी बातें कहने लग जाते हैं, बड़बड़ाने लग जाते हैं, और इससे आपका राहु खराब हो जाता है। इसकी और डिटेलिंग वीडियो जानने के लिए आई बटन पे आप क्लिक करके राहु से संबंधित सारी जानकारी ले लीजिए। और अब अगली टिप्स, ये भी बहुत काम की है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत काम काम की चीज़ें छांट कर लेकर आता हूँ, ताकि आप हमेशा सजग हो सकें, समझदार हो सकें, और हमेशा आप अवेयर हो करके अपने ग्रहों को अपने हाथ में लेना सीखें कि कैसे हमें अपने ग्रहों का अच्छा फल पाना है। अगली टिप है आपके खाने से संबंधित। जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो ध्यान रखिए आप उत्तर या पूर्व की तरफ ही मुंह करके खाना खाइए। ये देवताओं की दिशाएं होती हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा पश्चिम होती है, पितरों की दक्षिण भी पितरों की ही मानी जाती है, जो अचानक दुर्घटना में चले जाते हैं उनके लिए होती है, जो शांत होकर के अपनी अच्छी मौत से जाते हैं यानी उनकी नेचुरली बहुत पॉजिटिव होती है, जैसे एक पेड़ से पका हुआ फल आराम से टूट कर गिर जाता है, अगर ऐसी किसी की मुक्ति होती है तो उसके लिए पश्चिम दिशा मानी जाती है। तो अगर आप उत्तर या पूर्व की तरफ मुंह करके खाना खाएंगे तो आप सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, और इससे आपके खाने की जो आपने खाया है उसकी पाचन प्रकृति पर भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। अब अगली चीज हो जाती है वाहन के ऊपर, बहुत काम की बात है ये। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका घर हो या ऑफिस हो या गाड़ी हो, धूल पड़ी है, गंदगी पड़ी है, उसको किसी तरह से मेंटेन नहीं रखते, गाड़ी के अंदर फाइल इधर पड़ी है, कागज उधर पड़े हैं, बच्चे अगर गाड़ी के अंदर घूम करके गए हैं तो उनके खिलौने पड़े हैं, उनकी बॉटल्स पड़ी है, और गाड़ी के अंदर बहुत धूल जमी पड़ी होती है। नतीजा ये होता है कि इससे उनके अंदर चिड़चिड़ापन रहता है। जब भी अगर ऐसे में आपकी गाड़ी यानी आपका वाहन अंदर से या बाहर से गंदा रहता है तो इससे आपकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है, आपके फाइनेंस पर फर्क पड़ता है, आपके खर्चों पर इसका फर्क पड़ता है, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र और राहु चाहे किसी भी भाव के अंदर अच्छे होकर बैठे हों, नतीजा ये होता है कि वो खराब रिजल्ट देते हैं। आप उपाय तो खूब करने लग जाते हैं, लेकिन मेन जड़ तो ठीक कर लीजिए भाई साहब, गाड़ी को साफ रखें, फिर चाहे आपके पास स्कूटी है, फिर चाहे आपके पास कार है, फिर चाहे आपके पास वो कितनी भी बड़ी है या आपके पास कैसी भी है। ध्यान रखिएगा, आप अगर जो आपके पास है आप उसकी कद्र करते हैं
तो प्रकृति आपको आगे बढ़ने का मौका देती है, उससे बेहतर, उससे अपग्रेड वर्जन आपको देने की तैयारी करती है। और नहीं भी करती तो कम से कम आप अपनी जिंदगी के अंदर फालतू के तकलीफों से बचे रहते हैं। कैसी लगी मेरी ये टिप्स आपको जो मैंने अभी तक बताई, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जो लोग यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके कोई सजेशन है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब और अगली टिप्स को भी हम जान लेते हैं, ये भी बहुत काम की है। ये आपके पूर्वजों से संबंधित है, ये आपके बड़ों से संबंधित है, ये आपके पितरों से संबंधित है। ध्यान रखिए, हर महीने में अमावस्या और पूर्णिमा अवश्य आती हैं देसी तिथियों के हिसाब से। वैसे अंग्रेजी महीने के हिसाब से कई बार दोनों आ जाती हैं, कई बार एक आती है। मैं आपको समझा देता हूँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो होती हैं। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या आती है और वहीं से पूर्णिमा की, शुक्ल पक्ष की शुरुआत हो जाती है। और पूर्णिमा के आखिर, शुक्ल पक्ष के आखिरी दिन में पूर्णिमा हुआ करती है और पूर्णिमा के बाद से कृष्ण पक्ष की शुरुआत हो जाती है, अमावस्या के अगले चरण शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को करने के लायक हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो भी इस वीडियो को देखते हैं, वो इस चीज़ को ना करें, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्ग ही इस चीज़ को करें। लेकिन जो बच्चे हैं वो कुछ आदतें अवश्य अपना लें, जिससे उनके एजुकेशनल सिस्टम पर, उनके संस्कार पर, उनकी हेल्थ पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है। मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, हर कृष्ण पक्ष पर यानी कि हर अमावस्या पर आप जानवरों को कुछ ज़रूर खिला दीजिए। आपके घर के आसपास डॉगीज होंगे, आपके घर के आसपास अगर कोई गौशाला है तो वहाँ चले जाइए, वहाँ पर और जानवर भी होते हैं, वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य डाल करो। अगर आप रेगुलर नहीं जा सकते तो अमावस्या पर जाइए, रेगुलर जा सकते हैं तो इससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, उनका पेट भरेगा और उससे भी आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो कम होती है और ख़त्म भी होती है। अब आ जाती है बात पूर्णिमा के ऊपर। पूर्णिमा वाले दिन आप जो मेरे छोटे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए है एजुकेशन को लेकर के। एक पीले सूती कपड़े के अंदर थोड़ी सी चने की दाल रख लीजिए, साबुत हल्दी रख लीजिए, केसर के कुछ डंडी रख लीजिए, हो सके तो आप उसके अंदर कुछ अपनी पिगी बैंक से कुछ पैसे निकाल करके उसके अंदर रख लीजिए और कोई भी एक धार्मिक ग्रंथ खरीद लीजिए और इसको पीले सूती कपड़े के अंदर रैप करके आपके घर के जो बुजुर्ग हों, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, या आपके घर के आसपास अगर कोई बुजुर्ग रहते हैं जिनके साथ आपकी अटेंशन बहुत अच्छी है, जो आपके साथ फैमिली के साथ बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्सअप होके चलते हों, आपके फैमिली के वेलविशर हों, उनको दे करके या मंदिर के बुजुर्ग पंडित जी को दे करके आप अपनी एजुकेशनल ग्रोथ का आशीर्वाद जरूर लीजिए। बेटा आशीर्वाद मांगना है, वो अगर आपको कहें जाइए खुश रहिए, नहीं पंडित जी आप हमें अच्छी एजुकेशन, अच्छी ग्रोथ और अच्छे रास्ते पर चलने का आशीर्वाद दीजिए, बेटा ये मांग करके लेना है। ये दो उपाय तो हो गए बच्चों के लिए अमावस्या और पूर्णिमा पर। अब आ जाती है बड़ों की बारी। मेरे जो भी बड़े वीडियो देख रहे हैं, जो अपने पूर्वजों के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर श्राद्ध करते हैं, अमावस्या वाले दिन आप भी जानवरों की सेवा जरूर करिए। इससे आपके व्यापार में घाटा नहीं होगा, आपकी नौकरी में बड़ी परेशानी नहीं आएगी, आपके घर के अंदर बीमारियों से आपको छुटकारा मिलता रहेगा, साथ ही साथ आप बेफिजूल के खर्चों से बचकर रहेंगे, नुकसान से बचेंगे। और अब पूर्णिमा की बारी। मंदिर में जा करके आप सफाई करके आइए, या गुरुद्वारे में भी आप सफाई करके आ सकते हैं। इसके साथ साथ पीले कपड़े और पीली वस्तुओं वाला उपाय आप भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा वाले दिन आप हो सके तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने घर में बुज़ुर्गों को उनकी पसंद का खाना खिला करके आशीर्वाद ले लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है,
जब आप ये मेरी जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, जब आप इनको फॉलो कर लेंगे, आप महसूस करेंगे आपको रिजल्ट अच्छे अवश्य मिलने लग गए हैं, आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी चिंताओं से मुक्त होने लग गए हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां आपकी ऐसे ही कम होने लग गई है, आप उनसे डरते नहीं हैं, डट कर सामना करते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे मुलाकात होगी यहीं पर। इसी के साथ जय माता दी।